दोस्तों, जब भी अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा, और अक्सर कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ट्रेड डाला और आपका जो है ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, या फिर आपको एक मैसेज ऐसे आता है कि सिक्योरिटी बैन टुडे, तो वो आज के टॉपिक है हमारा। और आज के साथ हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी बैन क्यों होता है, और आपको ये मैसेज पॉपअप आता होगा तो आप काफी परेशान हो जाते हैं। वो छोटा टॉपिक है और आज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा स्टॉक मजा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्टॉक मजा टेक मजा का ही पार्ट है, तो स्टॉक मजा ही आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टॉक्स बैंड FNO। देखिए दोस्तों, आपने कभी कभी स्टॉक को, मैंने पहले बताया कि आपने ट्रेड किया होगा तो FNO बैंड करके एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है, पॉपअप आ जाता होगा। तो उस पे आपको ऑर्डर रिजेक्ट करने का या RMS ब्लॉक का कुछ ऐसे रीजन भी आता होगा, तो वो सारी बातें आज के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, आइडिया ऑफ द स्टॉक बैन इन FNO इज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। देखिए, कोई भी स्टॉक होता है वो अपने एक लिमिट मार्केट की रेंज में ही वो ट्रेड करेगा, यानी कि जो भी एक रेंज होगी। लेकिन अगर उसके अंदर एक्सेसिव, मतलब वन साइड अगर बाइंग होने लगी तो क्या होगा? वन साइड अगर बाइंग होने लगी तो उसके अंदर NSE के पास क्या है? अपर सर्किट है, यूपी, ठीक है, अपर सर्किट। और नीचे के साइड क्या है? लोअर सर्किट है। तो एक तो ये बात हो जाती है, एक तो अपर सर्किट में वो उसको स्टॉक को रोक दिया जाता है और लोअर सर्किट में रोक दिया जाता है। लेकिन अगर उस अपर सर्किट खुलने के बाद फिर उसमें जो है एक के बाद एक अपर सर्किट लगते हैं, या फिर वो स्टॉक इतना ज्यादा है नीचे गिरने लगता है कि उसमें लोअर सर्किट खुलने के बाद फिर लोअर सर्किट लगने लगता है, तो फिर वो स्टॉक स्पेकुलेशन में आ जाता है, या फिर ऐसी उसमें रेंज जो डिफाइन की है NSE ने, जिसको बोलते हैं कि मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट, जिसको बोलते हैं MWPL, ठीक है। एम का मतलब है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और इसकी पोजीशन तो की होती है प्लस माइनस से लेकर के +20 से लेकर के -20 के बीच में। और ये टेक्निकल है थोड़ा सा, इसको लेंथी प्रोसेस है। आपको ये बस केवल इतना ध्यान रखिए कि माइनस अगर 20 हो जाता है तो वो लोअर सर्किट से नीचे चला जाता है वो स्टॉक, और स्टॉक वो NSE बैन कर देता है उस दिन में, उसमें इक्विटी और डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं होता है। उसी तरह से अगर वो +20 ऊपर चला जाता है तो वहां पे भी वो बैन कर देता है। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि उसमें स्पेकुलेशंस को रोकने के लिए और स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन पर लिमिट लगाने के लिए NSE ने की तरफ से एक कदम उठाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉक को बैन करना, FNO बैन। और ये आप कभी कभी मोस्टली जो है आप ट्रेड लेते वक्त आपको ये मैसेज आ जाता होगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी जानकारी होपफुली आपको समझ में आएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पे, आप हर दिन बहुत सारे स्टॉक्स जो है बैन होते रहते हैं, आप उनको कहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप NSE इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, तो आप सिंपली, अगर आपको नहीं मिलता है कंटेंट तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। गूगल में जाइए, टाइप करिए सिक्योरिटी बैन पीरियड NSE इंडिया, सिक्योरिटी बैन पीरियड NSE, जैसे टाइप करेंगे आपको डायरेक्टली ये NSE इंडिया की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। और वहां पे आप जो है आपका जो दिन का है एक्टिविटी, आपको दिन में ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल में CSV में फाइल मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे ये डेटा भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, आपको होपफुली ये जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है।